जनपद चमोली में रामलीला मांगल योग समिति की महिलाओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आगामी 2 जनवरी से मां नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति की महिलाएं अयोध्या में रामलीला मंचन करने जा रही है, जिसके लिए महिलाएं दिनों में अभ्यास भी कर रही हैं। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रताप लूथरा ने कहा कि 14वीं रामलीला अयोध्या शोध संस्थान का शुभारंभ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को पहाड़ की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा संपूर्ण अयोध्या में शोभा यात्रा निकालकर सभी अयोध्या वासियों को लीला देखने का निमंत्रण भी देंगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अपने पहाड़ की उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने एक अपना संगठन बनाया हुआ है और इनके द्वारा अयोध्या में अपने 2 जनवरी से एक भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है और इसकी संपूर्ण व्यवस्था अयोध्या शोध संस्थान में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की गई है। यहाँ से जाने वाली तमाम महिलाओं का, तमाम बहनों का, दर्शकों की व्यवस्था, रहने की, भोजन की सब व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में की गई है और वहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आयोजन बहुत ही भव्य होने वाला है। बरसों पुराने इतने सालों से हम बहुत इंतजारी के बाद अब भगवान रामलला अपने मूल स्थान पे स्थापित हो रहे हैं। ये इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि हम भी वहाँ पे अपने 14वीं रामलीला कर रहे हैं। माननीय चंपत राय जी जो हमारे मुख्य सचिव, वो गर्भगृह के सचिव हैं रामलीला कमेटी के, उन्होंने हमें न्योता दिया है। आदरणीय लूथरा भाई साहब के, उससे विश्व हिंदू परिषद के जो जिलाध्यक्ष हैं लूथरा भाई साहब के माध्यम से हम वहाँ पे जा रहे हैं।